तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फरवरी 2020 में लॉन्च होने वाले कुछ बढ़िया स्मार्टफोन के बारे में, बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस में इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो गए। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिनों बाद जनवरी महीना खत्म हो रहा है, लेकिन दोस्तों जनवरी के महीने में हमें कुछ खास स्मार्टफोन देखने को नहीं मिले। हम सोचते थे कि दोस्तों जनवरी में हमें बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। जनवरी में हमें कोई खास स्मार्टफोन देखने को नहीं मिले, लेकिन दोस्तों डेफिनेटली फरवरी के महीने में बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो सैमसंग की तरफ से हो, रियलमी की तरफ से हो या श्योमी की तरफ से हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2020 के फरवरी महीने में लॉन्च होने वाले कुछ बढ़िया स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों ये सब को जानने के लिए बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं रियलमी की तरफ से। दोस्तों रियलमी की तरफ से फरवरी के महीने में हमें रियलमी 6 सीरीज देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर हमें रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। दोस्तों दोनों स्मार्टफोन पर हमें सेंटर पंच होल डिस्प्ले मिलेगी और दोनों ही मोबाइल फोन पर हमें ग्लास बैक भी देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो ऐसे में दोस्तों रियलमी 6 स्मार्टफोन के प्राइस लगभग हमें 10,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे और रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन के प्राइस हमें 15,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें फरवरी महीने में इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों रियलमी की तरफ से हमें रियलमी X50 स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि ये स्मार्टफोन चाइना की मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और फरवरी महीने में ये स्मार्टफोन हमें इंडिया की मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन चिपसेट के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि दोस्तों ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में किस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों सैमसंग की, तो सैमसंग की तरफ से भी हमें फरवरी के महीने में नए नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ए सीरीज की बात करते हैं, तो गैलेक्सी A51 और A71 स्मार्टफोन भी हमें फरवरी के महीने में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि ये दोनों स्मार्टफोन यानी कि गैलेक्सी A51 और A71 स्मार्टफोन वियतनाम की मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों अगर हम सैमसंग गैलेक्सी A51 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें सेंटर पंच होल डिस्प्ले, सुपर एमोलेड पैनल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जहां पे 48 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं परफॉर्मेंस के लिए एक्सिनोस 9611 का एसओसी भी देखने को मिलता है। वहीं गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा, जहां हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और सुपर एमोलेड पैनल मिलता है। लेकिन दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप और 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन पर अब की बार हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 700 सीरीज का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन को लगभग 30,000 रुपए की प्राइस में इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और गैलेक्सी A51 स्मार्टफोन को 20,000 रुपए की प्राइस में इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन एकदम बेहतरीन स्मार्टफोन रहने वाले। और दोस्तों बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में हमें गैलेक्सी M सीरीज के अंदर भी एक नया स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों Xiaomi की, तो Xiaomi की तरफ से भी हमें नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें Redmi K30 स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। बेसिकली दोस्तों ये स्मार्टफोन चाइना के मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जहां हमें 4G वेरिएंट और 5G वेरिएंट मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इंडिया के मार्केट में 4G वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जिसके प्राइस हमें 20,000 रुपए से कम देखने को मिलेगी, जहां हमें डुअल पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 64 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। अच्छी बात यह है कि दोस्तों जो Redmi K30 स्मार्टफोन है, इस पर हमें Sony IMX 686 का सेंसर देखने को मिल जाता है और दोस्तों ये स्मार्टफोन 20,000 रुपए से कम प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों अगला स्मार्टफोन हमें Xiaomi की तरफ से Mi Note 10 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। बेसिकली दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना की मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जहां हमें क्वाड डिस्प्ले पेंटा कैमरे का सेटअप मिलता है। बट दोस्तों इस मोबाइल फोन की अच्छी बात यह है कि इस पर हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और दोस्तों ये स्मार्टफोन भी हमें डेफिनेटली इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाएगा, जिसके प्राइस दोस्तों मुझे लगता है कि 30,000 रुपए के आसपास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन यानी कि
मी नोट 10 स्मार्टफोन हमें फरवरी के महीने में इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पोको ने 2018 में पोको F1 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, जो एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन था जहां हमें स्नैपड्रैगन 845 का चिपसेट मिलता था। लेकिन दोस्तों अब पोको एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बन चुका है, यानी कि दोस्तों पोको एक अलग ब्रांड हो गया है, जहां दोस्तों पोको की तरफ से हमें इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, यानी कि नए नए स्मार्टफोन हमें पोको की तरफ से देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों पोको F1 का सक्सेसर बहुत ही जल्दी इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जो एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन एग्रेसिव प्राइस के साथ डेफिनेटली लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों पोको F1 भी एग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च किया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों ओप्पो की, तो ओप्पो की तरफ से भी हमें नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी, जहां दोस्तों ओप्पो की तरफ से हमें रेनो सीरीज में यानी कि रेनो 2 और रेनो 2Z का सक्सेसर इंडिया के मार्केट में देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों रेनो की तरफ से आपको पता होगा कि ओप्पो फाइंड एक्स स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था, जो इंटरेस्टिंग फीचर के साथ था, यानी इस मोबाइल फोन पर हमें स्लाइडिंग कैमरा मिलता था। लेकिन दोस्तों अब ओप्पो फाइंड एक्स का सक्सेसर भी हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इंटरेस्टिंग फीचर के साथ लॉन्च किया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों इन्फिनिक्स की, तो आपको पता होगा कि इन्फिनिक्स हमेशा से बजट स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, यानी कि बजट के अंदर हमें एक अच्छी स्पेसिफिकेशन देता है। तो ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए के कम प्राइस में इन्फिनिक्स की तरफ से हमें फुल व्यू डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सेल्फी कैमरा पॉपअप कैमरे के रूप में देखने को मिलेगा। और दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो अब की बार मोबाइल फोन पर हमें मीडियाटेक हीलियो P35 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों अब की बार हमें चिपसेट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे कम प्राइस में आने वाला पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला स्मार्टफोन रहने वाला है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एकदम बढ़िया स्मार्टफोन रहने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो हमें फरवरी 2020 में देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें किस प्राइस में देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।